मिनिमम प्राइस कितना है गाड़ी का आज के स्टॉक में? देखिए भैया, मिनिमम स्टॉक तो मैं समझता हूँ 80-90,000 के बीच का है, जो मतलब इंटीरियर के सीट्स के ऊपर की जो पनिया है वो भी अभी तक उतरी नहीं है इसकी। या अगर यहाँ पर इसको देखो, फोकस करेंगे, टियागो खड़ी है सर, टियागो की डिमांड बहुत अच्छी आती है, शोरूम में भी आती है और बाहर भी आती है। क्या रिटेल है इसकी? इसको देखा हो, एक प्रीमियम ऐसा स्टॉक होगा जो कम, इतनी कम चली हुई गाड़ियाँ होंगी जिसका कोई हिसाब नहीं, और 5,25,000 की दे देंगे। 5,25,000 रुपए वो भी ये नितिन भाई आपकी वजह से। 5-10 नहीं, इसमें है 5-15 यार, कमाल का फीचर है ये गाड़ी, 6 सीटर भी बन जाती है और 5 सीटर भी बन जाती है। 5 सीटर भी, 6 सीटर भी, डीजल वर्जन है। बात है, और डीजल वर्जन है। अंदर का इंटीरियर भी बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया है। टायर अगर आप देखेंगे इसमें, मेरे ख्याल से कुछ 100 किलोमीटर क्या 10 किलोमीटर भी चले हुए नहीं है, बहुत बढ़िया। ब्रांड न्यू टायर है, टायर आप जरा दिखाना इसके, जरा बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है गाड़ी के। व्यूअर्स ऐसे है उनके लिए करना पड़ता है, और व्यूअर्स आपके इतने बढ़िया है, आपको मैं कुछ कह नहीं सकता, प्यार मिल रहा है बिल्कुल। दोस्तों अगर आप भी अपने लिए गाड़ी ढूंढ रहे हो, यूज कार देख रहे हो, तो यार बहुत ही अच्छी कार बाजार में आ जाए। बहुत सारी गाड़ियां मेरे पीछे देख रहे हो, हर एक तरह की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। क्रेटा मेरे साइड में यहाँ पे खड़ी है, सेंट्रो खड़ी है, मतलब कि बड़ी और छोटी सारी सारी गाड़ियाँ एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाला हूँ। गाड़ियाँ इतनी सारी है कि यार मैं काउंटिंग करने रख जाऊँ तो यार 1-2 घंटे तो ऐसे निकल जाएंगे। गाड़ियाँ बहुत सारी है, तो कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ दिखाऊँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, अगर शेयर कीजिए उनके साथ जिसको गाड़ी लेनी है, और बहुत सारी गाड़ी दिखाने वाला हूँ एज यूजुअल। दूसरी बात ये दोस्तों, आपको ना कॉन्टैक्ट नंबर जो डीलर्स के हैं वो वीडियो में, पूरे वीडियो में मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पर हाई लिखोगे तो आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा जो कि है कैटलॉग का लिंक। तो आप कैटलॉग का लिंक चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी है, क्या प्राइस है। अब वीडियो तो आपको पूरी देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं प्राइसेस कम कराता हूँ हर एक गाड़ी का। जो कैटलॉग में होगा, जो आज दिखाने वाला हूँ, वो बिल्कुल फ़र्क है। तो यार बिना किसी देरी के, बिना ज़्यादा बातें करें दिखाते हैं गाड़ियाँ। चलिए बुलाते हैं ओनर को। ओके, तो दोस्तों मधु भैया मेरे पास यहाँ पे है दुनकार बाजार से। सर क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाएं, आपके क्या हाल हैं? एकदम बढ़िया, ऑल गुड। आपकी स्माइल देख के तो हम वैसे भी अच्छे हो जाते हैं सर और आपकी स्माइल देख के हम अच्छे हो जाते हैं। क्या बात है, तो हमारी स्माइल देख के आप भी अच्छे हो जाइए। गाड़ियाँ भी अच्छी अच्छी खड़ी है, आज कितनी गाड़ियाँ हम दिखाने वाले हैं? देखिए स्टॉक तो आपने देख ही लिया है कितना है, लेकिन इनमें से काफ़ी हमारी स्टॉक जो है ना वो सोल्ड आउट भी हो चुका है, तो मैं इसलिए उनकी नहीं दिखाऊंगा आपको। और जो हमारी गाड़ी अवेलेबल है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो अवेलेबल है, और मैं समझता हूँ जो हमारे मतलब अपना प्रीमियम स्टॉक कह रहे हो आप, ये कह लो आप उसको। मिनिमम प्राइस कितना है गाड़ी का आज के स्टॉक में? देखिए भैया, मिनिमम स्टॉक तो मैं समझता हूँ 80-90,000 के बीच का है जो, हाँ ठीक है। और मैक्सिमम कहाँ जा रहा है ऊपर? मैक्सिमम हमारे पास जो गाड़ी है वो अप्रॉक्सीमेटली इस समय जो है वो 18-20 लाख की रेंज में है। अरे वाह, मतलब हर एक बजट को कवर कर दिया भैया ने यहाँ पे। तो फटाफट से दिखाते हैं पहली गाड़ी जो कि होने वाली है किया की सेल्टोस। सेल्टोस चलिए, और सेल्टोस का जो वेरियंट है ये सबसे टॉप एंड मॉडल है जीटी लाइन। अच्छा दिखाते हैं गाड़ी के साथ ही। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं इस किया सेल्टोस की, व्हाइट कलर की ब्यूटी बहुत अच्छी लग रही है सर। डिटेल क्या है? सर ये डिटेल 2020 मॉडल गाड़ी है और चली हुई 17,000 है। ठीक है, और ये जो है सेल्टोस का टॉप एंड मॉडल है। अच्छा, ये जीटी लाइन आता है, इसमें सनरूफ है और इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं। ओके, और बाकी इसमें फीचर सारे ही होते हैं, टच स्क्रीन सिस्टम, 6 एयर भी मिल रही है, बटन को फोल्ड करने वाली, बिल्कुल वेंटिलेटेड सीट्स हैं, 6 एयरबैग्स हैं, टच स्क्रीन सिस्टम, नेविगेशन, मतलब ऐसा कोई फीचर ऐसा है नहीं जो इसमें ना हो। ओके, तो फर्स्ट ओनर है गाड़ी? फर्स्ट ओनर है, और ये मेरे ख्याल से गाड़ी अप्रॉक्सीमेट 21 लाख से आसपास नई गाड़ी है। Okay. और तो आजकल आपको पता है ये गाड़ियाँ सारी वेटिंग पे चल रही हैं। तो कहाँ तक देनी है गाड़ी? तो इसमें 18,50,000 की, 18,50,000 18 लाख में ये गाड़ी आपको मिलती है। फर्स्ट ओनर 20 मॉडल और 17,000 मात्र चली हुई है गाड़ी, बहुत कम। यार दून कार बाजार की खासियत है, आप कोई भी मेरी पुरानी वीडियो उठा लो, गाड़ियाँ बहुत कम चली हुई मिलती है, पर जेन्युइन होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं, पीछे अगर आपको ध्यान होगा हमने 8,000 चली, बिल्कुल वही कह रहा हूँ, ऐसी 3,000 किलोमीटर गाड़ी दिखाई है हमने। अच्छा बात करें इसको कहाँ तक देना है, लास्ट प्राइस साथ ही वाला रिगार्ड क्या रहेगा भाई? देखो आपका रिगार्ड इसमें 51,000 का डिस्काउंट दे देंगे। अरे वाह, सुकून दे दिया पूरा, 51,000 का सुकून मिलता है। 18 लाख मतलब 17,99,000 में गाड़ी मिल जाएगी, उसमें भी कुछ ना कुछ रिगार्ड मौके पर रहेगा। अगली गाड़ी कौन सी है ये दिखाते हैं? बिल्कुल एक्सयूवी देख लेते हैं, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ठीक है, XUV 500 यहाँ पे खड़ी है, ये भी व्हाइट कलर में है, 2014 मॉडल गाड़ी है। ओके जी, W8 है, टॉप एंड वर्जन है। ठीक है, और फर्स्ट ओनर है, इंश्योरेंस फुल है गाड़ी का, टायर्स आप देख रहे हो टायर्स आज बढ़िया हैं, बाकी वेरिएंट जो है टॉप एंड मॉडल गाड़ी का है। W8। ओके जी, और चली कितनी गाड़ी? 70,000 के आसपास चली है। हाँ, क्योंकि डीजल गाड़ी है, थोड़ी सी आपको पता ही है प्लस माइनस तो चली भी होती है, थोड़ी सी होती है, लेकिन बाकी फिर भी गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है। ओके, और फर्स्ट ओनर है। देनी कहाँ तक की गाड़ी, क्या डिमांड है? सर वैसे 7 लाख की डिमांड है इसकी। ओके, और बाकी फिर भी 10-25,000 में 675 के आसपास दे देंगे। 75 के आसपास या 670 के आसपास गाड़ी आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी कंडीशन में। तो अगली गाड़ी हम दिखाएंगे दोस्तों ऑल्टो, आपको ऑल्टो रिटेल क्या? ये ऑल्टो 800 जो है ये 2019 मॉडल गाड़ी है, 19 मॉडल गाड़ी है, चली हुई सिर्फ 12,000 किलोमीटर है। 12,000
ओनली 12,000 एज यूजुअल कह रहा हूँ गाड़ी तो आप अगर आप इसको अभी इंटीरियर अगर आप किसको दिखाएंगे ना जो अंदर की जो इसकी रैपर है ना पनिया जिसे कहते हैं कैमरामैन को कि भाई प्लीज आप एक बार दिखाओ इंटीरियर अंदर मतलब इंटीरियर के सीट्स के ऊपर की जो पनिया है वो भी अभी तक उतरी नहीं है इसकी आप अगर यहाँ पर इसको देखो फोकस करेंगे मतलब गाड़ी ऐसी गाड़ी मेरे ख्याल से आपको शायद देहरादून में ऐसी मिलेगी नहीं बाकी यार पन्नी तक भी गाड़ी में है नीचे जिसे कहते हैं पन्नी पैक गाड़ी है ना ऐसी गाड़ी तो ब्रांड न्यू कंडीशन की कार है दोस्तों फर्स्ट ओनर ये भी होगी फर्स्ट ओनर 12,000 चली हुई है गाड़ी 12,000 चली हुई है और देनी कहाँ तक है बस ये देने वाले पैसे इसमें 325 की देनी है 325 में देनी है नहीं कितनी की आ रही है नहीं देखा आज की डेट में तो 465 के आसपास हो गई 465 के आसपास आ रही है ओके तो उसमें कुछ रिगार्ड छोटा मोटा वैसे है नहीं इसमें मैंने सही मैंने वैसे डिमांड में 350 की करता फिर आपसे 325 किया था इसलिए लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखेंगे कुछ 12,000 चली कुछ नहीं 12,000 चली हुई टियागो खड़ी है सर टियागो की डिमांड बहुत अच्छी आती है शोरूम में भी आती है और बाहर भी आती है क्या डिटेल है इसकी इसकी ये 2017 मॉडल गाड़ी है और टियागो है और ये जो वेरिएंट है हाँ 2017 और ये जो मॉडल है ये एग्जेट प्लस है अच्छा, इसमें अलॉय व्हील्स आते हैं और बाकी इसमें सिस्टम सारे आते ही हैं एयर बैग हैं सब कुछ है इसके अंदर क्या बात है इसकी सीट्स कवर भी बहुत अच्छे हैं साइड प्रोफाइल बहुत अच्छी है स्क्रैच मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है इस गाड़ी पे और माड़े मोटे डेंट स्क्रैच थोड़ी बहुत होते ही हैं कुछ वो क्योंकि नेकेड आई से इतनी जल्दी नज़र नहीं आएंगे और कैमरे में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे तो लेकिन मौके पर आना पड़ेगा अगर कोई दो राय नहीं कि मौके पर जो चीज़ होती है देखिए मैं समझता हूँ कितनी भी फोटो भेज दें कितने भी सब कुछ भेजें फिजिकली जब तक आप गाड़ी देखेंगे नहीं आपको पसंद नहीं आएगी बिल्कुल जी और यही बात मैं आपको इस कैमरे में देख के बोलनी सारी ठीक है अब प्राइस की बात करें क्या प्राइस होगा इसमें जो डिमांड है 4 लाख की है और ये 3,75,000 की 3,75,000 की मिल जाएगी एग्जैक्ट मॉडल मेरे ख्याल से 7 लाख के आसपास आता है बिल्कुल है एग्जैक्ट प्लस है ओके तो ये 7 लाख की गाड़ी आपको मिलती है 375 में उसमें भी कुछ ना कुछ मान सम्मान रहेगा डिमांड 4 लाख की थी ओके तो 375 तो डाला हुआ बिल्कुल डाला हुआ तो अगली गाड़ी यहाँ पे खड़ी है स्विफ्ट खड़ी है सर वीडीआई है पेट्रोल नहीं ये VXi रिटेल क्या ये कह रहा हूँ 2017 VXi है ओनर फर्स्ट है इंश्योरेंस फुल है गाड़ी का स्टेपनी आज तक नीचे नहीं लगी इसकी गाड़ी की जेन्युइन 20,000 चली हुई गाड़ी है क्या बात है मतलब हमारे पास मैं समझता हूँ स्टॉक जो आपको देखा हो एक प्रीमियम ऐसा स्टॉक होगा जो कम इतनी कम चली हुई गाड़ियाँ होंगी जिसका कोई हिसाब नहीं क्या बात और कह रहा हूँ ये वाली जो मैं कह रहा हूँ कि वाकई सारी गाड़ियाँ इतनी कम कम चली हुई है मज़ा आ जाता है दिखाने में भी अभी शायद आपको मैं थोड़ी शायद आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में एक मेरे पास ऑल्टो आ रही है और वो 2007 मॉडल है सिर्फ 9,000 किलोमीटर चली अब आप सोचे कि इसके हमारे पास जो सेगमेंट आता है कैसी कैसी गाड़ियाँ आती है ऐसी गाड़ी होंगी लेकिन अभी फिलहाल नहीं है इसलिए अभी आपको आने वाली चीज आपको पहले बता रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में आएगी वो आपके पास अगर वो तब तक रही तो अगर तब तक आपने कि नेक्स्ट वीडियो में लोग देखेंगे अच्छा बात करें जल्दी से प्राइस की तो क्या प्राइस इसमें जो है 5,50,000 की डिमांड है इसकी और 5,25,000 की दे देंगे 5,25,000 रुपए वो भी ये नितिन भाई आपकी वजह से 5-10 नहीं इसमें है नहीं हमारे बहुत लिमिटेड मार्जिन पर काम करने वाले सर मैं हमारे बहुत 5-20 तो करोगे चलो वो कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप कर देंगे ऐसी 5-20 में गाड़ी ले जाओ अगली गाड़ी दिखाते हैं आज ये बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं आज तो स्कॉर्पियो यहाँ पे है स्कॉर्पियो से पहले ब्रीजा दिखाते हैं ब्रीजा भी खाज हमारे पास तो सर ब्रीजा की डिटेल ब्रीजा 2021 मॉडल गाड़ी है और ये VXi ऑप्शनल है VXi ऑप्शनल में जो फीचर्स होते हैं इसमें जो टच स्क्रीन सिस्टम आता है और पुश बटन स्टार्ट है ठीक है और चली हुई जो है ये 30,000 है अच्छा जी हाँ 2021 है 30,000 चल रही है VXi 21 है हाँ एक साल भी नहीं हुआ मतलब एक साल हो गया हाँ मेरे से मार्च की गाड़ी है मार्च के तो एक साल हो गया आप मान लो एक साल प्राइस भी देखो ऐसा ना लिमिटेड आपको मेरे ख्याल से नई गाड़ी जो है अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख रुपए के आसपास की है 11 लाख की पड़ती है 11 लाख रुपए और ये वाली गाड़ी आपको वैसे तो 9 की डिमांड कर रहे हैं इसमें 875 के दे देंगे इसमें थोड़ा कम 8.5 के आसपास चलो देखेंगे थोड़ा बहुत प्लस माइनस देख लेंगे 860 कर लेते हैं चलो 860 में गाड़ी मिल जाएगी ब्रीजा कुछ कराने का काम नहीं है इसमें लेके जाओ बिल्कुल लेके जाओ क्या बात बहुत प्यारी कंडीशन में अब दूसरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है स्कॉर्पियो जो हाईली डिमांड गाड़ी है हमेशा मैं एक गाड़ी तो दिखाते हैं भैया दिखाते हैं क्या है स्कॉर्पियो 2019 मॉडल गाड़ी है 35,000 चली हुई है S11 है टॉपेस्ट मॉडल है क्या बात है और बाकी गाड़ी बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल कोई सिंगल पीस पेंट नहीं पूरी गाड़ी में और फर्स्ट ओनर 35,000 सर्विस रिकॉर्ड के साथ स्टेपनी अनयूज्ड है स्टेपनी आज तक गाड़ी के नीचे नहीं लगी प्राइस क्या होगा इसमें देखें डिमांड वैसे 18 लाख की है और आपसे आज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा मुझे इसमें भी 51,000 का डिस्काउंट है इसमें कुछ ये 1750 की दे देंगे 1750 में गाड़ी ले जाओ स्कॉर्पियो 19 मॉडल टॉप मॉडल है गाड़ी का ठीक है अगली गाड़ी कौन सी है
ओके जी, अगली गाड़ी है रेड कलर में KUV 100 100 है, डीजल में, ये डीजल वेरिएंट है। अच्छा जी, ये डीजल वेरिएंट है, 2018 है। ओके, और गाड़ी फर्स्ट ओनर है, 60,000 चली हुई है। ओके जी, और बाकी गाड़ी तो आप नीट एंड क्लीन है गाड़ी, मैंने अंदर से भी देखी गाड़ी, बहुत अच्छी है। नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी होंगी, बेचने के बाद की भी गारंटी देंगे कि गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल। ये भी मार्केट में बहुत कम देखी है, मतलब मैंने भी आई थिंक 6-7 महीने बाद ये गाड़ी अपने आप में 6 सीटर गाड़ी है, ये 5 सीटर कम 6 सीटर है, दोनों है। वाला जो सीट है ना आप, ये 6 सीटर गाड़ी है, आप इसको 5 सीटर चाहेंगे तो ये सीट फोल्ड हो जाती है बीच में, तो ये आपकी 5 सीटर है। मतलब यार कमाल का फीचर है, ये गाड़ी 6 सीटर भी बन जाती है और 5 सीटर भी बन जाती है। 5 सीटर भी, 6 सीटर भी, डीजल बात है, डीजल वर्जन है। अंदर का इंटीरियर भी बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया है। प्यारे प्यारे प्राइस क्या होंगे गाड़ी के? 4,25,000 की इसमें डिमांड है। ओके, और देनी कहाँ तक है? 4 से नीचे कर दो यार इस गाड़ी को, निकल जाएगी। चलो कोई नहीं, 3,90,000 3,90,000 में बिंगो डील, क्या बात, मजा आ गया यार। अगली गाड़ी कौन सी है? बोलेरो, बोलेरो देते हैं। ओके जी, 7174 2019 मॉडल, ओके, ZLX टॉप वेरिएंट, पावर प्लस, फर्स्ट ओनर, 40,000 विद सर्विस रिकॉर्ड चली हुई गाड़ी जी। और टायर अगर आप देखेंगे इसमें, मेरे ख्याल से कुछ 100 किलोमीटर क्या 10 किलोमीटर भी चले हुए नहीं है, बहुत बढ़िया। ब्रांड न्यू टायर, टायर आप जरा दिखाना इसके, जरा बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है गाड़ी के। और गाड़ी में पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, एक इसमें गाड़ी में सिर्फ एक अगला बम्पर पेंट है, वो भी कह के चल रहा हूँ आपको, बम्पर पेंट है पूरी गाड़ी, बाकी बॉडी लाइन से कोई अनटच गाड़ी, ब्रांड न्यू। भैया यही तो आपकी अच्छी बात है, दून कार बाजार में आओ ना, ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है, हर एक चीज़ बता देते हैं, गाड़ी चली इतनी है, गाड़ी में पेंट यहाँ पे हुआ है, ये वाकई बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तभी आप मार्केट में इतने सालों से बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, अब बढ़िया सा प्राइस क्या होगा इस गाड़ी का वो बताओ भाई। इसमें गाड़ी तो आप अच्छी दिखाते हो। देखो मैं डिमांड इसमें 9 लाख की सोच के चल रहे थे। अच्छा। लेकिन 8,50,000 की दे देंगे, वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें टायर हमने अभी ब्रांड न्यू उसमें सारे डलवाए, खर्चा कुछ नहीं, कुछ नहीं, इंश्योरेंस गाड़ी का फुल है, 2019 है, ZLX है, मतलब आपको गाड़ी में 100 रुपए भी लगाने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ डीजल डालना और चलाना, पैसे रखने टेबल पे, बस इतना ही काम है। बाकी लोन फैसिलिटीज है, उत्तराखंड के लोग यहाँ पे आके ले सकते हैं, बाकी ऑल इंडिया फैसिलिटी भी है। देखो ऑल इंडिया में थोड़ी सी प्रोफाइल की दिक्कत है, और थोड़ा सा कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आती है, थोड़ी सी, अदरवाइज बाकी तो नॉर्मली हो जाता है सब कुछ। तो जी अगली गाड़ी है ब्लैक ब्यूटी वरना, ये वरना जो है, मैं एक चीज वैसे जो हमारे अगर कहीं आपके जो बहुत हमारे पास फोन आते हैं शिमला साइड से या हिमाचल से, हिमाचल से बहुत आते हैं, तो इसमें नंबर HP 17 पोंटा साहब का नंबर है हमारा, और पोंटा साहब के नंबर का ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर ना जैसे नॉर्मली हमारे उत्तराखंड में ग्रीन टैक्स पड़ता है गाड़ी के ट्रांसफर पे, तो इसमें आपको ग्रीन टैक्स नहीं देना पड़ता क्योंकि वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। ओके, जैसे यहाँ पर अगर मान के हाँ, तो ये आपको ये इसमें फाइनेंस रजिस्ट्रेशन सस्ता पड़ता है, तो लोग इसीलिए ही जिस पार्टी की गाड़ी है देहरादून के लोकल वह रहने वाले वो जिन्होंने लिए, लेकिन वो पोंटा का क्योंकि सस्ता पड़ता तो इसलिए नियर बाय है, नियर नहीं, नियर बाय भी है लेकिन स्टेट फिर भी चेंज होता है, लेकिन जो मान के चलो HP के लेने वाले हैं उनको ये बेनिफिट रह जाएगा। हाँ, अगर लोकल रहने वाले उनको भी बेनिफिट है भाई, अगर आप मान के चलो गाड़ी आप ले रहे हैं तो आपको ट्रांसफर में खर्चा कम होता है, फाइनेंस इस गाड़ी पे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नंबर है तो फाइनेंस नहीं होगी, फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, फाइनेंस तब भी हो जाएगा, जितना चाहेंगे उतना हो जाएगा, ऐसा कोई मतलब प्रोफाइल के हिसाब से या गाड़ी की वैल्यू। और कंडीशन वाइज गाड़ी, कंडीशन वाइज 2020 दिसंबर की गाड़ी है और चली हुई सिर्फ 30,000 डीजल है और ये टॉप वेरिएंट है विद सनरूफ, SX ऑप्शनल साथ है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक SX ऑप्शनल मैनुअल है, मैनुअल है, मैनुअल। ओके, गाड़ी कंडीशन वाकई बहुत अच्छी है, ब्लैक कलर है और बिल्कुल भी स्क्रैच गाड़ी में नजर नहीं आएगा आपको, गाड़ी है और आप समझे गाड़ी 2020 दिसंबर की गाड़ी है, तो जो वर्ना लवर्स हैं ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आपको बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, डेट में आप सब देख रहे हैं ब्लैक कलर की डिमांड बहुत है, बहुत ज्यादा SUV हो या फिर सेडान हो, हां मतलब हर गाड़ी में आजकल ब्लैक कलर की डिमांड ज्यादा, स्कॉर्पियो ले ले हर गाड़ी में ब्लैक कलर की डिमांड ज्यादा। बढ़िया सा प्राइस क्या होगा सर? वैसे को समझ लो 50,000 का आपको जैसे बड़ी गाड़ी में दिया है आपको मिलेगा, इसमें 12,50,000 की गाड़ी दे देगा, 12.5 लाख में टॉप मॉडल 1.6 SX ऑप्शनल विद सनरूफ, क्या बात है। वरना और भी मैं देख रहा हूं यहां पे ये भी खड़ी है, तो दोस्तों अगली गाड़ी है क्रेटा, यहां पे व्हाइट कलर की गाड़ी है सर, डिटेल ये डिटेल्स 2017 मॉडल गाड़ी है, तो डीजल गाड़ी है और बाकी ये 2017 मॉडल है, डीजल है, SX ऑप्शनल, पुश बटन स्टार्ट, 6 एयरबैग, गाड़ी चली हुई 70 ऑड है, और इंश्योरेंस गाड़ी में, इंश्योरेंस गाड़ी का फुल है गाड़ी का, और बाकी इंटीरियर अगर आप देखेंगे इसमें सारी जो मतलब सीट कवर्स अगर आप देखेंगे सारे इसमें मैचिंग है, सारे अंदर के पोस्ट्री, स्टेयरिंग कवर, हर चीज उसकी बहुत बढ़िया है। वैसे ना इस गाड़ी का ना कुशन्स वैसे बहुत अच्छे होते हैं सीट्स के। क्रेटा आपकी आपको पता ही आज की रेट में हाईएस्ट सेलिंग कार है। अच्छा प्राइस क्या होगा इसमें? 9,50,000 के, 9,50,000 है 1.6 में, और 1.6 में भी बता दिया SX ऑप्शनल है, 6 एयरबैग वाली है, और कहाँ तक देनी है गाड़ी? 950 की डिमांड कर रहे हैं इसमें, बाकी 9,25,000 की दे देंगे इसमें, क्योंकि इसमें गाड़ी में बहुत लिमिटेड मार्जिन में काम होता है, नहीं नहीं करो लिमिटेड मार्जिन, ऐसा मार्जिन बहुत है नहीं इसमें, 3-15 के आसपास फिर भी हो जाएगी, नहीं 9-15 नहीं कह रहा हूँ, उसमें 9-25 के आसपास कर देंगे, लेकिन फिर भी देखेंगे बाइक कर सकेंगे करेंगे, ऐसी बात नहीं, आपके लिए सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा अभी आगे सस्ती सी
ऐसे हैं उनके लिए करना पड़ता है, और व्यूअर्स आपके इतने बढ़िया हैं, मैं आपको मैं कुछ कह नहीं सकता। तो प्यार मिल रहा है पूरा, बिल्कुल प्यार, तो यही प्यार भैया भी इन रिटर्न देंगे आपको गाड़ी के फॉर्म में। गाड़ी ले जाओ यार, बढ़िया बढ़िया सस्ती सस्ती। अच्छा ड्राइवर खड़ी है, सस्ती गाड़ी है, 7 सीटर है, रेनो की गाड़ी, बहुत अमेजिंग है सर। डिटेल सर, ये 2020 मॉडल गाड़ी है जी, चली सिर्फ 9500 किलोमीटर है, ठीक है। RXT मॉडल है ये, मिड सेगमेंट वाला, बीच वाला मॉडल है, और इसमें डिमांड 6,50,000 की है। ओके जी। और इसमें आपको ये मान के चलो बिल्कुल, अगर डालने वाले रेट समझ लो 6,11,000 रुपए की गाड़ी दे देंगे आपको। शगुन दे रहे हैं तो भैया, प्राइसेस नहीं दे रहे, कह रहा हूँ बस सही बात है, आज कह रहा हूँ आज कुछ आपने मूड भी ऐसा बना रखा है। अच्छा जी, क्या बात है, देखो मूड तो भैया का अच्छा ही, तो आज प्राइसेस भी अच्छे मिल रहे हैं। 6,11,000 में ले जाओ, 7 सीटर कार, 7 सीटर गाड़ी, 20 मॉडल, क्या बात है, सिर्फ 9,000 किलोमीटर है। हेलो जी, चलिए कुछ नहीं, गाड़ी अगली गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, इको स्पोर्ट, और एक नहीं दो दो खड़ी है सर, दोनों अवेलेबल है, सोल्ड हो गई ये वाली, सोल्ड हो चुकी है, मैं इसके लिए इसके आपको डिटेल नहीं दे रहा, ये वाली गाड़ी फिलहाल दे दूंगा आपको। और दिस इज 2018 मॉडल, अच्छा जी 18 मॉडल है, टाइटेनियम है, बट ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल मींस उसमें सनरूफ नहीं है, तो 2018 है और चली भी है 65,000 ये। 65,000 18 में ना जो अंदर का इंटीरियर था वो चेंज आया था, उसमें आपकी जो स्क्रीन है चेंज हुई थी, सिस्टम है बिल्कुल, बाकी लुक्स वाइज बहुत अच्छी है, प्रोजेक्टर लैंप सही है इसमें, बाकी मतलब वैसे टॉप एंड मॉडल ही है, बस एक ऑप्शनल नहीं है, इसमें सनरूफ नहीं है, अदरवाइज पुश बटन है, बाकी सब कुछ है, बाकी फीचर सारे हैं इसमें। ओके, डिटेल क्या होगा, प्राइस क्या होगा, कह रहा हूँ इसमें बताई दी अब आपको मैंने, 65,000 चली हुई है और इसमें डिमांड जो है वो 8 लाख की है, और बिल्कुल जो अगर लास्ट प्राइस इसमें अगर वो दे देंगे तो 760 की दे देंगे, 760 के आसपास गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है। अगली गाड़ी फॉर्च्यूनर दिखा देते हैं सर, दो फॉर्च्यूनर भी खड़ी है, दोनों अवेलेबल है, फॉर्च्यूनर देते हैं, हाँ फॉर्च्यूनर है, बल्कि ये वाली जो गाड़ी मेरे पास 2014 मॉडल गाड़ी है, ये 2014 है, ओके, और 4x2 ऑटोमेटिक है, अच्छा जी, और फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ठीक है, चलिए मेरे का अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास चली, 1 लाख के आसपास चली है, फर्स्ट ओनर है, इंश्योरेंस वैलिड है गाड़ी का, और ये आपको जो प्राइस इसमें आपको ये दे देंगे 14,50,000 की। ओके, 14 मॉडल है, 14.5 लाख की डिमांड है, कहाँ तक देनी है, ऑटोमेटिक है, 4x2 ऑटोमेटिक है, देनी कहाँ तक, लास्ट प्राइस, बड़ी गाड़ी है, बड़ा डिस्काउंट, तो फिर बड़ा तो फिर बस यही कर सकता हूँ, मैंने कहा ना हमारा असल में लिमिटेड मार्जिन वाला काम है, अनलिमिटेड वाला काम है नहीं हमारा, बाकी फिर भी इसमें ऊपर के 50,000 वाला नहीं है, 50,000 छोड़ देंगे आप, 14 लाख में गाड़ी ले जाओ। ऑटोमेटिक है सबसे बड़ी बात सर, ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक ये मैनुअल है, ये 2011 है, 11 मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी की है शायद मैन्युफैक्चरिंग है, 2010 है इसका, और अगर आप नंबर देखेंगे गाड़ी का 3333 VIP नंबर, गाड़ी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाड़ी, गाड़ी लगभग लगभग 90% ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है, 90%, और चली भी तो 1+ ही है, ठीक है, और बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, ये आती समय 4x4 मैनुअल है, ये फॉर्च्यूनर, अच्छा 4x4 मैनुअल है, आती ही समय मैनुअल ही, और कहाँ तक देनी है फॉर्च्यूनर में, देखिए डिमांड तो सोच के साथ तो हम 10 लाख रुपए सोच रहे हैं, लेकिन 9 लाख की दे देंगे बस, 9 लाख की मिल जाएगी, 8 लाख की फिगर पे कुछ मिल नहीं, देखो मिल जाती है इस गाड़ी का 75-880 समथिंग, देख लेंगे जो भी थोड़ी बहुत और नेगोशिएशन हो सकती है, चलो 880 मान लें, 880 में गाड़ी ले जाओ, फॉर्च्यूनर दोस्तों, बहुत प्यारी कंडीशन की गाड़ी है। और अगली गाड़ी कौन सी होगी, तो अगली गाड़ी वेगनार, ये वेगनार है 2016 मॉडल है, VXI है, ऑटोमेटिक देहरादून में ऑटोमेटिक गाड़ियाँ कम दिखती है, एक बताऊँ मैं आपको, आजकल जो ट्रेंड है हमारा, जो हम फॉरेन कल्चर के हम जो चल रहे हैं, छोड़ो यहाँ का ट्रैफिक देखो, मैं कह रहा हूँ हम जो चल रहे हैं फॉरेन कल्चर के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये पेट्रोल ऑटोमेटिक की डिमांड ज्यादा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, और ये गाड़ी भी बिल्कुल एज गुड एज ब्रांड न्यू है, ये 2016 मॉडल है, VXI है, फर्स्ट ओनर है, और ये बल्कि किसी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जिनकी गाड़ी अगर आप देख रहे होंगे, विद्युत विभाग लिखा हुआ है, मतलब गाड़ी सर नहीं वैसे सरकारी है, सरकारी बंदे की गाड़ी ये कह सकते हैं, और ये गाड़ी जो है आपको सब डिमांड इसमें जो है वो 425 की है। ओके, चली कितनी है, चली हुई मेरे 40 के आसपास चली हुई, 40 तक देनी है लास्ट में, बिल्कुल ये समझ लो देने वाले इसमें 385 की दे देंगे, 385 की मिल जाएगी गाड़ी, तो काफी बढ़िया डिस्काउंट का खर्चा कस्टमर का नहीं होगा, NOC आपको जहाँ की चाहेंगे वो हम प्रोवाइड करा के दे देंगे, अगर वो UP का है तो UP ट्रांसफर हो जाएगी, उनका खर्चा बच जाएगा, वो बढ़िया। अच्छा एक वेगनर और भी है, इसमें थोड़ा आई थिंक पेंट का मुझे इशू लग रहा है, असल में थोड़े से नीचे मॉडल गाड़ी है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सीखना चाहते हैं गाड़ी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा हूँ कि गाड़ी अच्छी है, गाड़ी नॉन एक्सीडेंट है, ये भी असल में क्या है कि जैसे नॉर्मली खड़ी रहती है, जिनकी चलती नहीं है इनकी गाड़ियों में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जिनकी गाड़ी रेगुलर चलती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती, उनको दिक्कत नहीं आती। क्या डिटेल है, इसमें 2007 मॉडल गाड़ी है, और इसमें जो है 1,10,000 की दे देंगे, 1,10,000 के सबसे ज्यादा लग रहा है कुछ नहीं, 1 की फिगर में चलो 1 लाख हो जाएगी, और बताओ ये आप कह रहे तो डिस्काउंट करना पड़ेगा ना मेरे को, 95,000 नहीं 1 लाख 1,10,000
ये जो फिर वही बात आ रही कि अगर ये सीखने के लिए कोई गाड़ियां ले रहे हैं, ऑल्टो लोग बहुत आपके बहुत आपके फोन आते हैं मेरे पास और गाड़ी सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए उनको, ये अप्रोक्सीमेटली आपको 90,000 की हम गाड़ी दे देंगे, 90,000 की ऑल्टो दे रहे हो, 90,000 की ऑल्टो दे दूंगा जिसमें 2027 तक पेपर वैलिड है इसके, क्या बात है, 2027 तक, ये 2005 है, 5 है वैलिड, पेपर वैलिड है, एक्सटेंड हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, मतलब अगर आपको कह रहा हूँ वैलिड है, बहुत बढ़िया जी, ओनरशिप क्या होगी, ओनर सेकंड है ये, सेकंड है, सेकंड फिर भी ठीक है, मुझे लगा था थर्ड फोर्थ होगी, नहीं थर्ड फोर्थ, देखो गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, मैं इतना जानता हूँ कि ओनर थर्ड फोर्थ कुछ, ये गाड़ी वो गाड़ी है जिसको ना लुक बहुत अच्छा है, जिसको ऑल्टो पसंद नहीं है पर बजट वही है तो उनके लिए बहुत अच्छी गाड़ी, ये इओन है, इओन है हुंडई की और 2012 मॉडल गाड़ी है और मैग्ना जो ये सबसे वैसे टॉप एंड मॉडल है जिसमें सिस्टम इंटीग्रेटेड आता है इसमें डैशबोर्ड में ना और फ्रंट की दो पार विंडो होती है, ठीक है, और ये 2012 मॉडल गाड़ी है, ओनर फर्स्ट है गाड़ी का और डिमांड इसमें 2 लाख की है और 185 बस इसमें और गुंजाइश करिए कहे नहीं इसमें 185 डिस्काउंट 5,000 का 81 की, चलो आपके लिए फिर भी करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया जी, 1,80,000 में आपको गाड़ी मिल रही है यहाँ पे, ये यार ये उनका लुक बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, स्पार्क खड़ी है, एक ये शेवरले स्पार्क, अब ये देखें आप गाड़ी है, वैसे तो आज की डेट में आपको पता है डिस्कंटिन्यू हो रखी है लेकिन ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है, मेरे ख्याल से चली हुई, मेरे ख्याल से 17,000 के आसपास चली होगी, 17,000 2010 मॉडल गाड़ी है, और मैं आप कह रहा हूँ हमारे पास अगर आप देखेंगे तो आपको स्टॉक ऐसे ही मिलेगा, बहुत लेस ड्रिवन स्टॉक होगा, डिटेल क्या है सर, ये 2010 सेकंड ओनर है, सेकंड ओनर है और 17,000 चली हुई गाड़ी है, 1,50,000 की, 1,50,000 क्या बात है, लास्ट प्राइस नहीं बताया आपने, क्या बिल्कुल यार आप हमारे को ना थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो, अच्छा 135 के आसपास, नहीं 140 की, ऑल्टो एक और खड़ी है, ये ऑल्टो केटन जी, गाड़ी डिमांड ऐसी है इसकी कहने की बात है, बिल्कुल डिमांड कह रहा हूँ, वो ऑल्टो केटन है, फर्स्ट ओनर है, 40,000 चलिए विद सर्विस रिकॉर्ड है, इंश्योरेंस गाड़ी का वैलिड है और इसमें डिमांड 3 लाख की कर रहे हैं और बिल्कुल इसमें लेकिन ज्यादा गुंजाइश नहीं कर पाऊंगा, 2,90,000 है लास्ट प्राइस, 2,90,000 और गाड़ी कंडीशन बहुत प्यारी है, ओरिजिनल मिंट कंडीशन, बिल्कुल जी, तो ठीक है ये वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आई थिंक बहुत सारी गाड़ियां आज हमने कवर कर दी, दोबारा मिलते हैं बहुत जल्दी बहुत प्यारे स्टॉक के साथ, बिल्कुल बिल्कुल, और इसी तरीके से आप लोग प्यार देते रहे भैया, और भैया आप भी अच्छी अच्छी गाड़ियां इनको देते, बिल्कुल देते रहेंगे, बिल्कुल हम तो बिल्कुल 101% पक्की बात, तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, एंजॉय एंजॉय लाइफ, और भाई तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और गाड़ियां लेते रहें, देखते रहें, और मैं स्टॉक लेके आता रहूँगा, थैंक यू सो मच भैया, नाइस मीटिंग यू, ओके बाय, ओके।